एनसीपी शरद पवार गुट से। विद्या, थोड़ा सा कैमरा आपका हिल रहा है, थोड़ी पार्टी भी हिल रही है, आपका गुट काफी ऊपर नीचे हो रहा है। आंकड़ा बता पाएंगी कितने लोग हैं आपके साथ, या पार्टी गई हाथ से शरद पवार के? नहीं, आप इसकी चिंता मत कीजिए। पवार साहब जैसे एक नेता है, देश के सबसे उच्चतम नेता है, और उनका आज भी जज्बा किसी नौजवान से कम नहीं है। और आज उनके मीटिंग को जो रिस्पांस हमारी मीटिंग को मिला है वो आपने देखा होगा, तो वो अगर मीटिंग आपने देखी होगी तो आप इस तरह से नहीं बोलते। कितने हैं मैं विधायक गाड़ी साथ में हूँ, में? इसलिए 15 विधायक विधायक थे कि भले ही 14, हमारे साथ तिरपन में जी से? देखिए, कितने भी हो विधायक, 10 हो, 15 हो, जो हो वो हो, नहीं, दस पंद्रह लेकिन में तो जो गई है, पार्टी हाथ से। अरे आप उसकी फिक्र मत कीजिए ना, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे पूरा तो करने दीजिए। हाँ। देखिए ये चुनाव का साल है अभी, समझ गए ना, और आगे 24 में चुनाव होना है। अभी भाजपा कोई नैया तो डूब गई है, इसीलिए तो वो भाजपा खरीदारी में लग गई है। सबको इधर की विधायक खरीदा करो, इधर उधर से खरीदा करो, ऐसा सब चल रहा है। और अभी हम लोगों के जो विधायक उधर गए हैं, तो कुछ दिनों के बाद वातावरण ऐसा तैयार हो जाएगा कि अपने आप चले आएंगे, और क्या जो हो नहीं जाएगा आएंगे वो वातावरण फिर में, क्या से बदलाव हो जाएगा फिर से आगे आगे देखो, होता है क्या इतनी बताइए जल्दी ना, क्या है थोड़ा सा पैसा। अंदाजा दीजिए। हाँ, तो अंदाजा के लिए महाराष्ट्र में आना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या चल रहा है क्या दिए नहीं। तले अंधेरा तो इसी मुझे साल यहां दिख रहा है कि शरद पवार के घर सातारा में है, में उनके साथ तो दिए करार, तले अंधेरे वाली कहानी हो गई। सातारा और कराड़ में जो रिस्पांस पवार साहब को मिला वो आप उधर स्टूडियो में बैठ के नहीं देख सकते। और उनको आज भी जो रिस्पांस मिला है, अभी पूरे महाराष्ट्र में हम लोग घूमेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि पवार साहब क्या चीज है, समझ गए ना। तो चलिए, अभी हम बैठ अभी के, हाँ इंतजार कर रहे हैं, पर ये नौटंकी, जरूर राजनीतिक जरूर नौटंकी, कीजिए। अच्छी खासी परतों के साथ, गुत्थी के साथ, सस्पेंस के साथ चल रही है।